गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास हिंदी मीडियम। आपकी षष्ठी की क्लास है। षष्ठी की क्लास में आपके पांच चैप्टर हो चुके हैं, आप पांच चैप्टर डन कर चुके हैं और आपके टेस्ट होने हैं अगले वीक से। तो आप लोग जो काम कंप्लीट कर चुके हैं उसे लर्न कर लीजिए ताकि जो है आप लोग अच्छे से टेस्ट दे पाए। ठीक है, आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो है आपका शीतोष्ण घास के मैदानों में जनजीवन। जो है जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनका जो है वहां पर जनजीवन कैसा है उसके बारे में बताएंगे। तो आपका जो विश्व है उसमें बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें कुछ आपके इसमें इस चैप्टर में दिए गए हैं जिनके बारे में आज आपको हम बताएंगे। जैसे पहला आपका है पंपास। ठीक है, पंपास जो है आपका घास का मैदान है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है और इसको जो है सबसे ज्यादा मुख्य रूप से आपका अर्जेंटीना में फैला हुआ है। दूसरा आपका है वेल्ड, यह अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है और डाउंस ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तीन ये घास के मैदान जो है आपके घास जो है मैदान है तो आपके अलग अलग क्षेत्रों में है। उसके बाद शीतोष्ण घास के मैदान जो है सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। सबसे जो आपका बड़ा शीतोष्ण घास का मैदान है वो है आपका स्टेपीज। जो स्टेपीज घास का मैदान सबसे बड़ा है आपका, वो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। दूसरा शीतोष्ण का सबसे बड़ा क्षेत्र है प्रेरीज है, जो उत्तरी अमेरिका के दोनों देशों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में फैला है। ये क्षेत्र आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद इस पार्ट में जो आपको घास के मैदान जो है जिसका नाम है प्रेरी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो प्रेरी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो प्रेरी घास का मैदान है आपका, ये दूसरा आपका सबसे बड़ा क्षेत्र है शीतोष्ण मैदानों में से। प्रेरी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जो है कृषि की भूमि मानी गई है। प्रेरी शब्द फ्रांसीसी भाषा का अर्थ है जिसका मतलब होता है चरागाह, ठीक है, या घास का मैदान। इस तरीके से प्रेरी जो प्रदेश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है और यह एक समतल बड़ा मैदान है जहां मिसिसिपी और मिसौरी नदियां बहती हैं। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति जो है ये घास के मैदान ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शीत ऋतु में ठंडे होते हैं। इन मैदानों में वर्षा का वार्षिक औसत 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होता है। इन घास के मैदानों को जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। इन घास के मैदानों को जलवायु मरुस्थल के समान शुष्क नहीं होती है, परंतु यहाँ पेड़ उगने के लिए वर्षा पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ की प्राकृतिक जो वनस्पति है मुख्य रूप से घास होती है। यहाँ मुलायम घास अल्फा अल्फा जिसका नाम है वो ज्यादा करके उगती है। यह घास जो है पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। ठीक है, लोगों का जीवन यहाँ का जो होता है काफी आरामदायक, लोग जो है प्रेरीज में जीवन जीते हैं। इस प्रदेश के लोग जो है उनका मुख्य व्यवसाय होता है पशुपालन और कृषि, दो इनके मुख्य व्यवसाय हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं दूध देने वाले पशुओं को पालते हैं, जिसमें आपका जो है जैसे उनसे चीजें बनाते हैं मक्खन पनीर ये सारी चीजें बनाते हैं। बड़े बड़े घास के मैदान पशुओं को जो है चराने के लिए यूज करते हैं। इन मैदानों का नाम रेंच होता है। ठीक है, इन मैदानों को जो है रेंच के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये लोग पशुओं से मांस भी प्राप्त करते हैं, पशुओं से मांस प्राप्त करते हैं और यहाँ जो सभी शहर है सड़कें हैं ये सभी जो है रेल मार्गों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ की जो कृषि है वो कैसी होती है इस चीज के बारे में हम आपको कल की लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। आज की लाइव क्लास में इतना ही। आप लोग बाकी के चैप्टरों की तैयारी कर लीजिए ताकि पेपर आप लोग अच्छे से दे सके। अब हम आपको जो है इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप लोग अब इंग्लिश की कॉपी और बुक को ओपन कर लीजिए। इंग्लिश की कॉपी बुक में ओपन कर लीजिए तो इंग्लिश में आपका चैप्टर चल रहा था 6 वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस ये 6 लेसन था आपका। तो 6 चैप्टर में आप लोग वर्ड मीनिंग डन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डन करेंगे।
फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाट आर द यूज ऑफ साइंस, व्हाट आर द यूज ऑफ साइंस, साइंस की क्या यूज है, ये आपको बताना है कि साइंस के क्या यूज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिखिए व्हाट आर द यूज ऑफ साइंस, लिखिए क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर द यूज ऑफ साइंस। Also.